हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय चैनल फिजिक्स की क्लास। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में बात करते हैं इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल, इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो इलेक्ट्रिक डाइपोल हमें पता है क्या है, इट इज ए कॉम्बिनेशन ऑफ इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस, जैसे हम वाटर में देखते हैं, ठीक है। तो अब हमें एक मैंने ऑलरेडी फिगर ड्रॉ कर दी है यहाँ पर बोर्ड पर, और इस फिगर के अकॉर्डिंग आप देखेंगे कि यहाँ पर मैंने एक डाइपोल बनाया, ठीक। इसका सेंटर पॉइंट लिया इसका ओ, जैसे कि आप यहाँ देख रहे हैं ओ, और इधर का पार्ट में हमने लिया एल और यहाँ के पार्ट में हमने लिया एल, यानी कि एल इज द लेंथ, टू एल इज द लेंथ ऑफ दिस डाइपोल। इस डाइपोल का लेंथ क्या है, 2L। आपको क्या करना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है एट एनी पॉइंट, किसी भी पॉइंट पर, ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल। तो जैसे फिगर में देख रहे हैं, यह डाइपोल का सेंटर मैंने बनाया यहाँ पे O, ठीक है। तो इसी तरह से यहाँ पर है कि ये जो R पॉइंट है, R डिस्टेंस, अभी एक पॉइंट है P, ठीक है। इससे इस पॉइंट Q से इस पॉइंट पर, और इस पॉइंट पॉजिटिव चार्ज की वजह से इस पॉइंट पर, हमने क्या किया, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हमें इस दोनों इस पॉइंट पे निकालना है ड्यू टू द बोथ द चार्जेस, माइनस नेगेटिव क्यू से भी और पॉजिटिव क्यू से भी। तो एक फिगर इस तरह की आपके बन जाएगी, ठीक। अब देखिए क्या है कि इस पॉइंट चार्ज, ये जो बी हमारा पॉइंट है, इससे इस लाइन के ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे, ठीक। एंड सिमिलरली इस लाइन को थोड़ा आगे बढ़ाएंगे और यहां से इसके ऊपर परपेंडिकुलर ड्रॉ करेंगे। तो ऑन बोथ साइड हम परपेंडिकुलर ड्रॉ कर रहे हैं, तो ये बन गया 90 डिग्री, और यहां पर भी हो गया है 90 डिग्री, ठीक है। अब हमारे पास क्या है, ये डिस्टेंस L है, ये डिस्टेंस L है, ये हमारे पास O पॉइंट है। अब क्या करना है, हमें लिखना है कि इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू चार्ज माइनस Q। तो इसके फॉर्मूले को यदि हम देखेंगे तो ये हमारा रीजन कैसे निकलेगा कि V1 में इसको ले रहा हूं, V1 इज इक्वल टू आएगा 1/4πε0, ये हम ले रहे हैं Q, माइनस Q डिवाइडेड बाय आपके पास डिस्टेंस आ जाएगी PA, डिस्टेंस होगी हमारे पास PA, ये हमारे पास इक्वेशन फर्स्ट, ठीक है। सिमिलरली हमें क्या करना है, एट पॉइंट P चार्ज Q के कारण, ड्यू टू द चार्ज Q एट पॉइंट P, हमें फिर इलेक्ट्रिक पोटेंशियल निकालना है, और मान लीजिए ये पोटेंशियल है V2, तो ये पोटेंशियल हमारे पास हो गया V2, इसको हमने लिखा 1/4πε0, और Q अपॉन, अब आ जाएगा हमारे पास PB, यहां पे हमारे पास हो गया PB। इक्वेशन बन गए डियर स्टूडेंट्स, की सेकंड इक्वेशन। अब क्या करना है, देखिए नेगेटिव चार्ज के कारण आया P पर, पॉजिटिव चार्ज के कारण भी P पर, तो टोटल मिला के नेट फोर्स, नेट इलेक्ट्रिक पोटेंशियल एट पॉइंट P ड्यू टू पोटेंशियल P1 ड्यू टू पोटेंशियल V2। तो हम क्या करेंगे, टोटल V इज इक्वल टू V1 प्लस V2 को लिखेंगे और वैल्यूज को हम पुट कर देंगे। तो ये नेगेटिव पे है, हम इसको उधर लिखेंगे, ये पॉजिटिव पे इसको उधर लिख लेंगे। तो 1/4πε0 Q अपॉन PB माइनस 1/4πε0, और ये हो गया Q अपॉन PA। अब आपको जो मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट समझना है, वो ये समझना है कि PA एंड PB जो है, ये डिस्टेंस करीब करीब इक्वल डिस्टेंस होगी, क्योंकि ये जो हमारा डाइपोल है बहुत छोटा होता है। डाइपोल छोटा होने से क्या होगा कि PO जो वैल्यू है, यानी कि हम कह सकते हैं कि PN की जो वैल्यू है वो PA के इक्वल हो जाएगी, ठीक। इसी तरह से हमारे PB की जो वैल्यू है वो PN के इक्वल हो जाएगी। अब हम बोर्ड पे समझेंगे इसको कैसे हो जाएगी। देखिए ये हमने यहां से इसको हटा दिया, तो ये हमारे पास बन रहा क्या है, इसको यहां से हम हटाते हैं, तो रिजल्ट हमारे पास क्या आएगा, देखो यहां पे कि V इज इक्वल टू, अब ये वैल्यू इसको हम यहां से हटा रहे हैं, देखिए V इज इक्वल टू 1/4πε0, और Q जो है ये कॉमन आ जाएगा, अंदर रह जाएगा रिजल्ट 1/PB माइनस 1/PA, ये हमारे पास रिजल्ट रहेगा। अब फर्स्ट ऑफ ऑल हमें क्या निकालना है, हम किसी तरह से पहले PB की वैल्यू निकाल रहे हैं,
पी ए निकाले फिर पी बी निकाले, तो पहले पी ए को हम निकालते हैं पी ए को और फिर निकालेंगे हम पी बी को। तो आप देखिए मैंने इसको यहां से हटा रहा हूं कि कैसे होगा हमारे पास कि फिगर के अकॉर्डिंग यदि हम देखते हैं तो फिगर के अकॉर्डिंग हमें मिलेगा देखो पी बी इज इक्वल टू यह आ रहा है हमारे पास पी बी इज इक्वल टू तो पी बी तो ये है। अब पी एन के इक्वल इसे माने लेकिन है क्या है पी ओ, तो पी ओ में से पी एन को यदि हम निकाल देते हैं पी ओ में से माइनस करते हैं हम पी एन को, पी ओ में से हम पी एन को निकाल देते हैं तो यानी कि पी ओ कितना है हमारे पास, हमारे पास है आर, तो आर टोटल है और निकालना क्या है हमें ओ एन, ओ एन इसमें से निकालना है। तो देखिए ओ एन की वैल्यू क्या है, ये बेस बन गया हमारे पास, ये परपेंडिकुलर और ये हाइपरटेनियस, तो फिगर कुछ इस तरह से हो गई, ये इस पॉइंट से इस तरह से, तो ये हमारे पास बेस परपेंडिकुलर हाइपरटेनियस, तो हाइपरटेनियस ये पॉइंट हुआ हमारा। तो अगर हम इसको देखते हैं तो हमारे पास बनेगा आर माइनस एल कॉस थीटा, तो ये पी बी की वैल्यू हो गई। और कैसे कॉस थीटा बन रहा है, देखिए बेस हमने निकालना है ओ एन, ओ एन इज इक्वल टू आपका यह है हमारे पास क्या है, यह है बेस और यह है हाइपरटेनियस, तो बेस अपॉन हाइपरटेनियस हो गया ओ बी, और इस वैल्यू को हम यहां लेंगे तो यह जाएगा कॉस थीटा के इक्वल, तो ओ एन जो वैल्यू है वो ओ बी इक्वल टू हो गया एल और ये हो गया कॉस थीटा, तो ओ एन इज इक्वल टू ये हो गया पी बी इक्वल टू आर माइनस कॉस थीटा। ठीक है अब हम नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं, तो हमें निकालना है इसके अंदर क्या है पी ए। अब पी ए में इस एप्लीकेशन को यदि हम यूज करते हैं तो पी ए पॉइंट यहां से यहां तक है, तो इसका मतलब ये पी एम के इक्वल हो गया, तो पी एम प्लस और इसमें ये पार्ट जुड़ जाएगा ओ एम, ओ एम, तो देखिए पी एम टोटल कितना है पी एम, ये बिल्कुल इसके क्लोज है, तो ये हमारे पास हो गया, इसको हम लेंगे पी एम की जगह पर हम ले लेंगे पी ओ प्लस ओ एम, तो देखिए अब पीओ जो है हमारे पास वो कितना है, वो हमारे पास है आर, फिर प्लस आगे रिजल्ट ओ एम रहा, तो ओ एम को हमें फाइंड आउट करेंगे वही हो गया बेस परपेंडिकुलर और हाइपरटेनियस, तो इसमें हो जाएगा एल कॉस थीटा, तो दो चीजें निकल के आ गई हमारे पास, हमने पी ए को भी निकाल लिया और पी बी को भी निकाल लिया। ठीक है डियर, अब यदि हम इसको यहां पे वैल्यू को पुट करते हैं तो हमारे पास जो रिजल्ट निकलेगा वो होगा पी बी में आ रहा है आर माइनस कॉस थीटा, तो हम लिखेंगे v इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, ये डिवाइड करें और यहां पे लिख दें हम वन अपॉन r माइनस कॉस थीटा, और अब इसके अंदर हम डाल दें यहां पर प्लस और इस वैल्यूज को भी यहां से हटा दें, तो ये क्या बन रहा है हमारे पास r प्लस, तो वन अपॉन r प्लस l कॉस थीटा, ये दो रिजल्ट हमने निकले। अब इसका हम एलसीएम लेंगे तो आएगा बी इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट, और ये हमारे पास हो जाएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का फॉर्मूला, तो ये हो जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा, तो जब हम नीचे बेस में लेंगे तो आर माइनस एल कॉस थीटा लेंगे तो इधर का पोर्शन इधर आ जाएगा और इधर का पोर्शन चला जाएगा इधर, तो ये हो जाएगा आर प्लस एल कॉस थीटा प्लस आर माइनस एल कॉस थीटा। ठीक है तो अब हमसे आर से आर ये माइनस साइन है यहां पर, माइनस का साइन है यहां पर और हम यहां पर माइनस का साइन लगाएंगे तो ये पॉजिटिव हो जाएगा, तो आर से आर भी कैंसिल आओ, ठीक है बच गया टू एल कॉस थीटा। ठीक अब इस वाले पोर्शन को मैं यहां से हटा के इसको सही कर रहा हूं बिल्कुल, तो ये आ जाएगा हमारे पास, देखिए ये होगा v इज इक्वल टू क्यू अपॉन फोर पाई एप्सिलॉन नॉट ब्रैकेट स्टार्ट हो जाएगा ऊपर टू एल कॉस थीटा, टू एल कॉस थीटा और डिवाइड में आ जाएगा आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर एंड कॉस स्क्वायर थीटा। तो डियर स्टूडेंट्स ये हमने एक फॉर्मूला निकाला और इसके बेस पर हम क्या करेंगे, इसके बेस पर हम निकाल सकते हैं आगे का रिजल्ट, तो ये तो हमारा स्टैंडर्ड फॉर्मूला बन गया इसका। अब हमें क्या करना है कि हमें इसके स्पेशल केसेस को निकालना है, तो स्पेशल केसेस में क्या है, जिस तरह से तुम लोगों ने पढ़ रखा है
कि हमारा इक्विपोटेंशियल जो आपका इक्विलेटरल सरफेस पे और एक्सियल सरफेस पे, ठीक है। तो हम सबसे पहले ये करते हैं कि यदि एंगल हमारे पास थीटा है, थीटा इज इक्वल टू जीरो है, इफ थीटा इज इक्वल टू जीरो, हम जीरो डिग्री ले रहे हैं, तो रिजल्ट को देखें कैसे चेंज होगा कि v इज इक्वल टू, अब ये 2QL 1/4πε0 और ये 2QL ये हो गया मोमेंटम के इक्वल, यानी कि आपका डाइपोल मोमेंट के इक्वल, तो p इज इक्वल टू हो गया cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा, ये फॉर्मूला हुआ। अब देखिए यदि थीटा जीरो डिग्री है, थीटा जीरो डिग्री है तो आ जाएगा 1/4πε0 और p और cos जीरो डिग्री की वैल्यू होती है 1, तो और यहां पर भी इसकी वैल्यू हो जाएगी 1, तो नीचे रह जाएगा r स्क्वायर। तो देखिए ये पोटेंशियल जो है ये किस पे आता है, एक्सेल लाइन पर। एक्सेल लाइन कब बनती है, जबकि ये पॉइंट p शिफ्ट होकर इधर आ जाए, नीचे आ जाए, इसकी लाइन में आ जाए, बिल्कुल अलोंग दिस अलोंग द डाइपोल चला जाए, तो ये हमारे पास एक्सेल लाइन, ठीक है। एक आती है आपके पास इक्विलेटरल लाइन, तो इक्विलेटरल कब होता है, ये इसको यहां से हटाते हैं पोर्शन को, अब ये हमारे पास रीजन रह गया स्पेशल केस में, थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री, जब थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री होगा तो डियर स्टूडेंट देखना q/4πε0 और ये मिला के क्या आया था, p cos थीटा डिवाइडेड बाई r स्क्वायर माइनस l स्क्वायर cos स्क्वायर थीटा। तो जब थीटा हमारे पास 90 है तो थीटा 90 होगा तो v इज इक्वल टू ये cos 90 की वैल्यू हो जाएगी, cos 90 की वैल्यू होती है 0, तो टोटल मिला के रिजल्ट आएगा 0। ये आ गया ठीक है, ये हमारे पास क्या हो गया इक्विलेटरल, तो इक्विलेटरल पॉइंट पे ये आ गया और एक्सेल लाइन पर वो रिजल्ट आ गया। तो दोनों रिजल्ट हमने निकाल लिए, हमारे पास टॉपिक क्या था, इक्विपोटेंशियल निकालना था एट एनी पॉइंट ड्यू टू ए डाइपोल इलेक्ट्रिक डाइपोल, तो डाइपोल की मदद से हमने इस पॉइंट एनी पॉइंट पे लेकर हमने एक्सेल पे भी निकाल लिया है रिजल्ट, और हमने क्या किया उसमें भी निकाल लिया आप एक्सेल पे और इक्विटोरियल पे, ठीक है। तो इस आर्टिकल में डियर स्टूडेंट्स इतना ही, राइट मी इन द कॉमेंट बॉक्स इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम एंड वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई डियर स्टूडेंट्स।